अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर योगी ने कहा कि सरदार पटेल से जिन्ना की तुलना शर्मनाक है। इससे विपक्ष की विभाजनकारी मानसिकता फिर से सामने आई है। योगी ने कहा कि ये तालिबानी मानसिकता जनता स्वीकार नहीं करेगी। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर के आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बनी, उन्होंने आजादी दिलाई। उनको तो समाज को बांटने से ही फुर्सत नहीं था और उनकी विभाजन की प्रवृत्ति अभी भी नहीं गई है। कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था, वह देश तोड़क जिन्ना की जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। उन्हें किसी भी तरीके से लगता भारत की जनता विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। ये तालिबानी मानसिकता है जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस ने आज पूरी तरह सियासी रंग ले लिया है। रोजाना नए नए आरोपों के साथ सामने आने वाले महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने इस केस में आज पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को लपेट लिया। नवाब मलिक का आरोप है कि फडणवीस के इशारे पर महाराष्ट्र में ड्रग्स का धंधा चलता है। पूरा ड्रग का मास्टरमाइंड, ड्रग के खेल का मास्टरमाइंड, हमें लगता है महाराष्ट्र का पूर्व मुख्यमंत्री है क्या? किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है। अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा। महाराष्ट्र की सियासत का ये ऐलान जंग है। एक तरफ हैं महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक और उनके सामने हैं सूबे के पूर्व सीएम बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस। मुंबई ड्रग्स केस में अपना हमला जारी रखते हुए आज नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के साथ सीधा हमला देवेंद्र फडणवीस पर बोल दिया। बड़े बड़े ड्रग पेडलर, चाहे वो काशिफ खान हो, उसे छोड़ दिया जाता है। ऋषभ सचदेवा को, आमिर फर्नीचर वाला को और प्रतीक गाबा को छोड़ दिया जाता है। सारा ड्रग का खेल ये देवेंद्र जी के इशारे पे इस राज्य में चल रहा है। वो हिंदी में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा, और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। अब तक एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ मुखर नजर आने वाले नवाब मलिक ने आज आरोपों की अपने मिसाइल का रुख फडणवीस की तरफ कर दिया। नवाब मलिक ने ड्रग्स केस में पकड़े गए जयदीप राणा की देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के साथ तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। आरोप लगाया कि जयदीप राणा और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घनिष्ठ रिश्ते हैं। नवाब मलिक का आरोप है कि देवेंद्र फडणवीस के रिवर सॉन्ग वीडियो को जयदीप राणा ने फाइनेंस किया था। फडणवीस ने पूरे आरोप को खारिज करते हुए कहा कि तस्वीर 4 साल पुरानी है। लेकिन देवेंद्र जी के जयदीप राणा के रिश्ते बहुत घनिष्ठ थे। एक तस्वीर और डालता हूँ कि गणपति देवेंद्र जी के घर पे है या जयदीप राणा के घर पे, मुझे पता नहीं। कुल मिलाकर हम लोग जब देखते हैं तो मेरी पत्नी जो है ये हमेशा सोशल फील्ड में काम कर रही है, बेबाक बोलती है, और जब मेरे ऊपर ये हमला नहीं कर सकते तो मेरी पत्नी पर हमला करने का वो काम कर रहे हैं।
मलिक के आरोपों का जवाब फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने ट्वीट के जरिए दिया। अमृता ने ट्वीट कर सवाल पूछा कि उल्टा चोर कोतवाल को क्यों डांटे, साथ ही लिखा विनाशकाली विपरीत बुद्धि। नवाब मलिक के आरोपों में नीरज गुंडे नाम शख्स का भी नाम आया। आरोप है कि नीरज गुंडे की भूमिका सचिन वाझे जैसी थी। मलिक के मुताबिक नीरज गुंडे पुलिस अफसरों और नौकरशाहों के तबादले तय करता था, उसी के जरिए महाराष्ट्र में उगाही होती थी। फडणवीस अक्सर नीरज गुंडे के घर बैठते थे। फडणवीस का एक वजह इसी शहर में रहता है, नीरज गुंडे, जिसको पूरी तरह से पिछली सरकार में मुख्यमंत्री निवास में एक्सेस था, मुख्यमंत्री कार्यालय में एक्सेस था, सारे अधिकारियों के चैम्बर में एक्सेस था, सारे पुलिस के ट्रांसफर वो तय करता था, ब्यूरोक्रेसी के ट्रांसफर वो तय करता था, और पूरी तरह से उगाही उसी के जरिए महाराष्ट्र में की जाती थी। नवाब मलिक जी को इतनी सलाह दूंगा कि जो अभी मुख्यमंत्री है उद्धव जी ठाकरे, इनको एक बार वो नीरज गुंडे के बारे में पूछ ले, कितने बार नीरज गुंडे उनके यहाँ गए हैं या वो नीरज गुंडे के यहाँ गए हैं, ये बात भी उनसे पूछ लीजिए, और नीरज गुंडे के खिलाफ कोई भी सबूत होगा तो कार्रवाई करिए। नवाब मलिक ने एनसीबी जोनल डायरेक्टर के पद पर समीर वानखेड़े की नियुक्ति के पीछे भी देवेंद्र फडणवीस का हाथ बताया। आरोप लगाया कि वानखेड़े को लोगों को फंसाने के लिए लाया गया ताकि मुंबई गोवा में ड्रग्स का धंधा चलता रहे। समीर दाऊद वानखेड़े जो पिछले 14 साल में इस शहर में लगातार अलग अलग विभाग में काम करता है, उसके भी तबादला करने के पीछे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, और उसे लाया इसीलिए गया क्या पब्लिसिटी करके नाजायज लोगों को फंसाया जाए और ड्रग का खेल इस मुंबई और गोवा में चलता रहे, इसलिए समीर वानखेड़े को लाया गया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यहां पर कि जिस प्रकार से हवा में तीर चलाने का काम वो कर रहे हैं, मैं वापस कहता हूं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और एक बात मैं नवाब मलिक को कह देना चाहता हूं, मैं कांच के घर में नहीं रहता। आरोपों के शोले भड़क उठे हैं, अब इंतजार इस बात का है कि दिवाली के बाद फडणवीस कौन सा बम फोड़ेंगे। विद्या और पंकज उपाध्याय के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। तो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और देशमुख आमने सामने हैं, एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है और ये सिलसिला अभी खत्म होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि नवाब मलिक का कहना है कि मंगलवार को सफाई दूंगा तो दिवाली के बाद बम फोड़ने की बात उस तरफ से कही जा रही है। तो जब मुंबई में समीर वानखेड़े को लेकर नवाब मलिक महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को घेर रहे थे, तब एनसीबी के जोनल डायरेक्टर अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष अपनी बात रखने पहुंचे थे। इससे पहले अनुसूचित जाति के उपाध्यक्ष अनिल हलदर कल मुंबई में वानखेड़े के परिवार से मिले थे, जिस पर नवाब मलिक ने सवाल खड़े किए। वक्त कैसे बदलता है उसकी बानगी है ये तस्वीर। चंद रोज पहले तक अपने तीखे तेवरों से बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों में हड़कंप मचाने वाले एनसीबी के जोनल डायरेक्टर आज जब अनुसूचित जाति जनजाति कमीशन के दिल्ली दफ्तर में पहुंचे तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। जाति प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ कर नौकरी पाने के नवाब मलिक के आरोपों के सिलसिले में समीर वानखेड़े राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने आयोग के सामने दलित होने के मूल दस्तावेज भी पेश किए। जो उन्होंने दस्तावेज दिए हैं, उसने अपनी शादी के भी दिए हैं, उन्होंने अपनी जॉब के भी दिए हैं, उन्होंने बाकी आगे की नेक्स्ट मैरिज के भी, सेकंड मैरिज के भी दिए हैं। उन सभी तथ्यों को हमने अपने अधिकारियों को कहा है कि ये महाराष्ट्र सरकार से बैठ के उनका सत्यापन करना, उनको देखना जरूरी है। अगर वो सत्य हैं तो भी किसी भी उस आधार पे समीर वानखेड़े पे कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। अगर कोई हमें लगे कि तथ्य अभी जो अधूरे हैं या हमें दिए नहीं जा रहे हैं, तब हम अपनी अलग कमेटी बना सकते हैं, ये कमीशन के पास अधिकार है। जो कोई भी ऑनरेबल हमारे जो कमीशन है
एससी कमीशन है, जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगा है, जो कोई भी तथ्य मांगा है, तो उनके सामने प्रस्तुत किया गया है अभी, और जो मेरी शिकायत है, जो मेरी कंप्लेंट है, उसकी वेरिफिकेशन भी होगी और जल्द आपको ऑनरेबल चेयरपर्सन सर उसका जवाब। इससे पहले रविवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर मुंबई में समीर वानखेड़े के घर गए। उन्होंने समीर वानखेड़े के साथ उनकी पत्नी क्रांति रेडकर और पिता से भी बात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट देखकर लगता है कि वानखेड़े का सर्टिफिकेट सही है। मैंने जो देखा है, और एक आधिकारिक कमीशन के सामने झूठ सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है, ये तो मैंने बोल रहा है। और सर्टिफिकेट मेरे को देखने के बाद जो अनुभव लगा है वो सर्टिफिकेट सही है। तो मेरे पास खबर लगा है ये लोग कोई साजिश करके, और उनका खुद का भी डर व्यक्त किया मेरे सामने, जिनको कोई चार्ज लगा के फ्रेम करने के कोई ये चक्र चल रहे, उसको फंसाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कमीशन सेफ गार्ड रूप से एक अनुशासित दलित परिवार का पास में आए, इसलिए कमीशन गठित हुआ। समीर वानखेड़े को लेकर अरुण हल्दर के इस बयान पर नवाब मलिक की तरफ से तीखा पलटवार हुआ है। मलिक ने कहा कि धोखाधड़ी के आरोपों से घिरे एक अफसर के घर उनका जाना उचित नहीं। अरुण हल्दर जी का व्यवहार ये कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। सीधे ये कह देना कि समीर दाऊद वानखेड़े ने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया, दाऊद वानखेड़े साहब के घर पे चले जाना और वहाँ पे मीडिया से संवाद करना, मीडिया के जरिए पूरे चित्रीकरण कराना, हमें लगता है ये बहुत सारे सवाल खड़ा कर रहा है। इतनी जल्दबाजी उनको क्या है? इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी नवाब मलिक के निशाने पर हैं। कल समीर वानखेड़े का परिवार अठावले से मिला था और इसके बाद अठावले ने नवाब मलिक पर समीर वानखेड़े को परेशान करने का आरोप लगाया था। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मैं नवाब मलिक जी को बताना चाहता हूँ कि भाई हमारे समीर वानखेड़े और उनके फैमिली को बदनाम करने का षड्यंत्र आपने रोकना चाहिए। आपने एनसीपी के प्रवक्ता पद का नाजायज फायदा उठाया है और आप जानबूझकर मतलब ये फैमिली को बदनाम कर रहे हैं। तो आप एक दलित अधिकारी पर इसी तरह का आरोप लगाना ठीक नहीं है। और अगर वो मुस्लिम है ऐसा बोलते हैं तो वो तो मुस्लिम नहीं है, लेकिन अगर वो मुस्लिम है ऐसा बोलते हैं तो मुस्लिम आदमी के खिलाफ क्यों मतलब बयानबाजी कर रहा है? जिनका काम है जो देश में शेड्यूल कास्ट जाति के लोग हैं उनको न्याय देने का काम करे, उनके साथ जस्टिस हो, वे स्वयं बैठकर दाऊद वानखेड़े साहब के साथ प्रेस वार्ता को संबोधित करते हैं और जिसने फर्जीवाड़ा करके सर्टिफिकेट लिया उसका समर्थन करते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। गौरतलब है कि नवाब मलिक का आरोप है कि समीर वानखेड़े जन्म प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा कर आरक्षण का लाभ उठाते हुए आईआरएस अफसर बने हैं। नवाब मलिक इससे पहले वानखेड़े का निकाहनामा, पहले शादी की तस्वीर और जाति प्रमाण पत्र भी ला चुके हैं, लेकिन समीर वानखेड़े और उनका परिवार आरोपों को नकारता रहा है। सच की लड़ाई है, सच की जीत होगी। मुंबई से पंकज उपाध्याय और दिल्ली से श्रेय चटर्जी के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग केस में बयान दर्ज कराने आज ईडी दफ्तर पहुंचे। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली रैकेट चलाने का आरोप लगाया था। अनिल देशमुख का कहना है कि उन पर लगे आरोप ठीक नहीं है, सच नहीं है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन पर जो आरोप लग रहा था वो उसकी जांच में पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं, जबकि प्रवर्तन निदेशालय लेकर सीबीआई तक लगातार जांच में वो सहयोग कर रहे हैं। मेरे ऊपर जो मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर थे परमवीर सिंह, उन्होंने जो आरोप किए पैसों के बारे में, आज मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह जिनने अनिल देशमुख के ऊपर आरोप किए, वो परमवीर सिंह आज कहां है?
इस बीच कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने खुलासा किया है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह इस वक्त बेल्जियम में है। निरुपम ने यह भी सवाल किया कि मुंबई के पूर्व सीपी बेल्जियम कैसे पहुंचे और उनकी मदद किसने की। मेरे पास जो तमाम भगोड़े हैं उन्हीं भगोड़ों की तरह इस भगोड़े की भी एक जानकारी आई है। कितना कंफर्म है ये तो आने वाले दिनों में जो सरकारी एजेंसियां वो बताएंगे, लेकिन जिस तरीके से देखते देखते विजय माल्या भाग गया, मेहुल चौकसी भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, एक जमाने में ललित मोदी भी भाग गया था, तो ऐसे जो क्रिमिनल्स हैं उन्हीं क्रिमिनल्स के बीच में उसी फेहरिस्त में परमबीर सिंह का भी नाम निकल के आ रहा है। हमारे पास जो जानकारी निकल के आ रही है कि वो इस समय बेल्जियम में, तो बेल्जियम गया कैसे, उसको जाने कैसे दिया गया, क्या उसके जाने का इंतजाम किया गया, उसके भागने या भगाने का इंतजाम किया गया, और अगर ऐसा किया गया है तो निश्चित तौर पर जो सेंट्रल एजेंसीज है उनसे भी सवाल उठता है